नहीं नहीं सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है वहां कर लेते हैं। जहाँ तक संजीव जी की बात है वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे।